नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि हम हर पोर्टल के हर छोटे से बड़े अपडेट से अवगत होते रहते हैं, उसी के तहत आज मैं दिखाने जा रहा हूँ मनरेगा पोर्टल में जो है अभी सामग्री का भुगतान आ चुका है। और सामग्री का भुगतान जो हुआ है, तो मान लीजिए हमारे ग्राम पंचायत में किसी कार्य पर 10 बिल लगे हैं, तो उसमें से यदि 4 बिल का पेमेंट अभी हो चुका है, तो वो 4 बिल किस तरह से देख सकें कि इस वित्तीय वर्ष में जैसे मान लीजिए 10 बिल लगे थे, 4 बिल पेमेंट हो चुके हैं, तो वो 4 बिल ही कैसे देखें कि कौन से 4 बिल पेमेंट हुए हैं और उनकी पूरी क्वांटिटी और पूरा रेट पूरा देख सकें। दोस्तों, ये वीडियो आम व्यक्ति के लिए भी है कि वो भी अपनी ग्राम पंचायत की डिटेल देख सकते हैं, और अधिकारी कर्मचारीगण के लिए भी है कि वो भी देख सकें कौन कौन से बिल का पेमेंट हो चुका है, जिससे कि आगे कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों आप पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या है, आप सबको पता है मनरेगा पोर्टल की वेबसाइट narega.nic.in, या आप सीधे जो है गूगल सर्च में या ब्राउज़र के यूआरएल में नरेगा डाल देंगे, narega.nic.in, या फिर मनरेगा डाल देंगे, तो इस तरह से लिंक आ जाएगी। तो आप ओपन करेंगे तो यह होम पेज आ जाएगा narega.nic.in का। इसमें दोस्तों अब हम आज जो देखने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को बताया मैंने कि अभी जो है सामग्री का भुगतान आ चुका है। ठीक है, समय समय पर दोस्तों सामग्री का भुगतान आता है, हम बिल लगाते हैं, फिर उसमें से कुछ बिल का पेमेंट होता है और समय समय पर फिर उनका भुगतान होते जाता है। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे जो कि सामग्री का भुगतान आ चुका है। अब हम वही देखने जा रहे हैं कि किसी भी ग्राम पंचायत में मान लीजिए 20 बिल भी लगे हैं, तो उसमें से 5 का पेमेंट हुआ, तो 5 बिल कौन से हैं और पूरा बिल का प्रारूप क्या है, दर और जो क्वांटिटी, वो पूरी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमने मनरेगा पोर्टल ओपन कर लिया है, इसमें हम नीचे आएंगे स्क्रॉल कर, इसके बाद जाएंगे क्विक एक्सेस, जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्विक एक्सेस दिख रहा है दोस्तों, तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, मैंने क्लिक किया, इसके बाद यहाँ कई सारी रिपोर्ट्स का आता है क्विक एक्सेस, तो हमें सबसे नीचे वाली रिपोर्ट पर क्लिक करना है, स्टेट रिपोर्ट्स। ये मैंने क्लिक किया तो एक न्यू विंडो ओपन हो गई, इसमें हमें अपना राज्य सेलेक्ट करना है। आपका जो भी स्टेट है, जो भी राज्य है, उस पर क्लिक कर दीजिए, जैसे मैं एक मध्य प्रदेश का दिखाता हूँ आपको। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, आपका जिला जो है वो सेलेक्ट कर लें यहाँ से, जैसे मैं एक जिला सेलेक्ट करके बताता हूँ। इसके बाद क्या है, हमें सीधे यहाँ से जाना है दोस्तों। मैंने और भी कई तरीके बताए हैं किस तरह से हम पूरा मटेरियल पेमेंट देख सकते हैं, आज मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ। तो अब ये आ गया ब्लॉक, ब्लॉक जितने भी रहेंगे एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक हैं वो सब देखेंगे। इसके बाद आपको राइट हैंड पे जाना है, MIS रिपोर्ट दिख रही है यहाँ, यहाँ फाइनेंशियल ईयर भी दिख रहा है 2022-23, तो अभी हम 22-23 का देख रहे हैं, हम किसी भी वर्ष का दे सकते हैं, 20, 21, 22, 23, तो अभी 22-23 का ही देख रहे हैं। तो फंड मैनेजमेंट, इसमें पहले ही ऑप्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिख रहा है दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पहले ही ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर से बोल लेता हूँ, फंड मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये हमने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ इस तरह से जाएगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अंडर मनरेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, मतलब 2022-23 में जितने बिलों का भुगतान हुआ है, मान लीजिए लगाए भले ही आपने 20 थे, लेकिन उसमें से मान लीजिए 5 का ही भुगतान हुआ, तो 5 यहाँ दिखेंगे, 20 पूरे नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको ये पता चल जाएगा केवल भुगतान किन किन का हुआ है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ मान लीजिए एक ब्लॉक, तीनों ब्लॉक दिख रहे हैं, एक ब्लॉक पर क्लिक कर लेते हैं। ब्लॉक के बाद क्या होगा दोस्तों, सारी ग्राम पंचायत आपके सामने यहाँ पर दिखने लगेगी, जितनी भी ग्राम पंचायत आपके ब्लॉक में है वह सभी दिखने लगेंगी। अब हमें करना क्या है, सीरियल नंबर पंचायत है ना, यहाँ पूरा अमाउंट दिख रहा है, अब हमें क्लिक कहाँ करना है ना, तो जो कम्युनिटी एक्सपेंडिचर ये दिख रहा है ऑन मटेरियल, मटेरियल वाला ये जो दिखेगा, ये मजदूरी वाला दिखेगा, तो आज हम मटेरियल पे बात कर रहे हैं। तो ऑन मटेरियल वर्ष 2022-23 में अभी तक मटेरियल पर कितना पेमेंट हो चुका है किसी भी ग्राम पंचायत में, ये सब ग्राम पंचायत है, तो वो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक आपको ग्राम पंचायत का दिखाता हूँ, यहाँ हम क्लिक करेंगे, ये देखिए ये लाइन जो भी दिखेगी, ये क्लिक करने वाली ब्लू जो दिख रही है, इसके नीचे लाइन है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, ये हाइपर लिंक है, तो इस पर जैसे ही क्लिक किया तो हमको सारे बिल दिख जाएंगे जो कि अभी पेमेंट हो चुके हैं 2022-23 में, है ना। तो ये देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर ऑन मटेरियल अंडर मनरेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2022-23, 2022-23 में स्टेट दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट दिखेगा आपका, जिला, अब वर्क नेम दिखेगा दोस्तों यहां पर, बिल नंबर दिखेगा, बिल डेट दिखेगी, डेट ऑफ पेमेंट,
है ना, डेट ऑफ पेमेंट भी दिखेगा। मान लीजिए ये 25/9/2022 को हुआ है, 25 सितंबर 2022 को वो दिखेगा, बिल अमाउंट कितना है वो भी यहाँ पर आपको शो होगा। इस तरह 2022-23 में आपने आपके जितने पेमेंट हुए वो सब यहाँ दिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ ये भी दिखेगा कि एक्सपेंडिचर ऑन मटेरियल परचेज्ड इन 2021-22 बट पेड इन 2022-23। कुछ ऐसे मटेरियल जो हमने 21-22 में बिल लगा दिए थे, परचेज किए थे, लेकिन पेमेंट उनका 22-23 में हुआ, तो वो भी यहाँ पर शो होंगे। इस तरह से ग्रैंड टोटल भी आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, ये लाख में है, टोटल इन लाख्स, तो ये टोटल यहाँ आ जाएगा। इसी को दोस्तों हम रिपोर्ट को एक्सेल व्यू में भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा। अब इसमें सबसे बढ़िया क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपने ग्राम पंचायत लेवल वर्क कोई सा भी वर्क आपने देखा यहाँ पर, है ना, उसमें कई सारे काम हो सकते हैं, सार्वजनिक कूप निर्माण, है ना, या फिर कोई सा कपिलधारा कूप, या फिर अमृत सरोवर अंतर्गत तालाब निर्माण कार्य, या फिर ग्रेवल रोड कार्य, या और भी कई सारे कार्य जो आप करते हैं, डाइनिंग हॉल, जो माँ की बगिया, कोई जितने भी कार्य मनरेगा अंतर्गत है, वो सारे जो आपने पंचायत में लिए थे वो दिखेंगे यहाँ। उनके बिल यदि आप देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बिल नंबर पर यहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी कार्य का बिल देखना चाहते हैं हम, जो अमाउंट है का बिल, तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम जो है लिखा आएगा मटेरियल प्रोसीजर्ड, जो है मटेरियल प्रोक्यूर्ड, वर्क दिखेगा पूरा, वर्क का कोड भी दिखेगा दोस्तों, बिल नंबर दिखेगा, फाइनेंशियल ईयर दिखेगा, और मटेरियल लिस्ट नंबर दिखेगी, बिल डेट दिखेगा, वेंडर नेम दिखेगा, वेंडर नेम भी आप यहाँ से देख सकते हैं, मटेरियल क्या है वो दिखेगा, यूनिट प्राइस यहां दिखेगी, और क्वांटिटी दिखेगी, और अमाउंट टोटल यहां पर दिखेगा, टोटल अमाउंट दिखेगा, और टोटल अमाउंट जो पेमेंट हुआ है वो यहां पर आपको शो होगा, टैक्सेस यदि कुछ है तो वो। इसी तरह आप कोई से भी बिल दोस्तों किसी भी कार्य के यहां से देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्लिक कर आप पूरा वेंडर का नाम भी देख सकते हैं यहां से, है ना, वर्क का नाम देख सकते हैं, पूरा वर्क कोड, बिल नंबर, ठीक है, इसी तरह पूरी मटेरियल, है ना, यूनिट प्राइस इन रुपीस कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। अच्छा दोस्तों, इससे फायदा ये भी होगा अधिकारी कर्मचारीगण के लिए, ये है कि ये पूरा बिल इस तरह से देख सके, तो उससे क्या होगा, जब आगे बिल भी बनाए तो उनको सहूलियत होगी कि किस तरह से कोई से कार्य का पूरा बिल जो है ऑनलाइन फीडिंग किया जाता है मनरेगा पोर्टल पर। ठीक है, तो यूनिट प्राइस इन रुपीस यहाँ दिख रही है, क्वांटिटी दिख रही है, टोटल दिख रहा है, यदि कोई टैक्स है तो वो नहीं, तो सीधे ये दिख रहा है टोटल अमाउंट, है ना, तो ये है। तो दोस्तों ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ आम व्यक्ति के लिए भी, वो भी किसी भी अपनी ग्राम पंचायत का देख सकते हैं, और अधिकारी कर्मचारी गण भी देख लें कि अपना कौन कौन का सामग्री भुगतान आया है, तो कौन कौन से बिल का भुगतान अभी हुआ है। आप किसी भी बिल पर क्लिक कर जो है पूरी उसकी यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, है ना, और वेंडर नेम पूरा देख सकते हैं आप आसानी से, और पूरा कार्य, सभी चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों ये पूरी प्रोसेस है, और भी मैं आपको तरह तरह की सारी जानकारी की प्रोसेस दिखाते रहूँगा, इसके लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है, आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों यदि आप शिक्षा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन के जरिए कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।